भाई बहनों, आज जब शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है और तब आप ही में से एक आपसे जरा भी अलग नहीं जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी है। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। पहली बार आपके बीच से पला बढ़ा एक कामदार आज फिर से एक बार नागौर की संत की भूमि, शूरवीरों की भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामदारों की भूमि, एक कामदार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए होती है? सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार सामान्य मानवी के लिए होती है। अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो सरकार के सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता है। एक गरीब को, एक सामान्य मानवी को अपने गांव से दूसरे गांव कहीं रिश्तेदार के यहां जाना है तो सरकारी साधन के बिना नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, अगर अमीर बीमार हो जाए तो 10 डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा करके खड़े रह जाते हैं। अमीर अगर बीमार हो जाए तो दुनिया के बड़ी बड़ी अस्पताल में वो हवाई जहाज लेकर के उड़ करके चला जाएगा। मेरा गरीब कहां जाएगा? मेरा सामान्य मानवी कहां जाएगा? लेकिन ये दुख, ये मुसीबत वो ही जानता है जो आप में से निकला होता है। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहां किसानों का बोलना है तो वरा रख लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं
वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, जो धरती से कटे हुए हैं, जो जन जन से जिनका चार चार पीढ़ी का भी नाता नहीं रहा है, ये लोग कभी आपके दुख को समझ नहीं सकते हैं, आपके दुखों को कभी दूर नहीं कर सकते।